बाबा रामदेव र श्रद्धे बालकृष्ण आचार्य जीव हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले योग शिविर सञ्चालन पनि भर्खरै गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। म उहाँलाई टुरिज्म प्रमोसनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म उहाँलाई टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोसन गर्नको लागि ब्रान्ड अफ एम्बेसडरको लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अभी जो आप चार दिन के भ्रमणमा आए, इससे बहुत अच्छा मेसेज भी गया, विश्वभरमा इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। ये बुद्ध और सगरमाता का देश से जाना जाता है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको जो ब्रांड ऑफ एम्बेसडर को जो हमने अनुरोध किया है मंत्रालय की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लोग भारत से नेपाल में आए, हम उनको स्वागत करना चाहते हैं। और ये यहाँ कोविड भी बहुत कम हो गया है, सब लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, इसलिए ये टूरिज्म सेक्टर में भी आप जरूर प्रमोशन करेंगे। आप दोनों आदरणीय व्यक्तित्व को सम्मान करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से सन्यासी भले ही किसी एक राष्ट्र का नागरिक हो, लेकिन सन्यासी स्वभाव से वर्ल्ड सिटीजन होता है। और भारत और नेपाल की तो प्रकृति और संस्कृति साझी है, पूर्वज साझे हैं। और मैं जो प्रकृति और संस्कृति का वैभव नेपाल में देखता हूँ, मैं उसको भारत सहित पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा। और यहाँ की संस्कृति से यहाँ के लोगों को तो गौरव ही हो, यहाँ संस्कृति और प्रकृति से यहाँ समृद्धि की भी नई बयार आए, इसके लिए हम जो प्रस्ताव दिया है इस पर गंभीरता से विचार करके जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। और इस नेपाल देश को इसकी एकता, अखंडता और संप्रदाय के साथ समृद्धि के नए शिखर आरोहण करे, इस दिशा में पतंजलि योगपीठ की ओर से जो भी योगदान हो सकता है उसकी एक पूरी रूपरेखा बना करके एक लंबी कार्य योजना के तहत हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे।